ऑडियोस हमने बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट किया है। अब हम यहाँ तीरे की सिलाई लगाएंगे। यूज़ हम यहाँ ऊपर के कपड़े को छोड़ के नीचे कमीज के कपड़े पे सिलाई लगाएंगे। अब हम अपनी फिटिंग के हिसाब से साइड की सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें कमीज के साथ अटैच करेंगे। व्यूअर्स, स्लीव्स को कमीज के साथ अटैच करने के लिए कमीज की उल्टी साइड में स्लीव्स की सीधी साइड को हम इस तरह से
इसके अंदर इस तरह से रखेंगे और कमीज़ की साइड सिलाई से स्लीव की साइड सिलाई को मैच करेंगे और पिन लगाएंगे। और स्लीव के सेंटर को शोल्डर के साथ मैच करेंगे। और अब यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। व्यूज़ के हमने एक स्लीव को अटैच कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरे स्लीव को भी अटैच करेंगे। व्यूज़ अब हम चाक और घेरे को हेम करेंगे। व्यूअर्स हमने चाक और घेरे को हेम कर लिया है, अब हम यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे।
व्यूज हमने चार और घेरे को हम कर लिया है। अब हम कॉलर की तैयारी करेंगे। व्यूज कॉलर अटैच करने के लिए सबसे पहले हम गले की डबल साइड को इस तरह से पकड़ के इस तरह से टर्न करेंगे। इस तरह से टर्न करने के बाद यहाँ से 2 इंच पे हम कट लगाएंगे। 2 इंच तक हम यहाँ पे कट लगाएंगे। और यहाँ पे 2 इंच तक कट लगाने के बाद बाकी के गले का हम साइज लेंगे। व्यूज ये बाकी गला हमारा 7.5 इंच है, तो हम तकरीबन 15 इंच तक कॉलर को कट करेंगे। तो अब हम कॉलर को कट करेंगे। कॉलर के लिए ये हमने तकरीबन 16 इंच लंबाई में कपड़े का पीस लिया है और 15 इंच लंबी हमने फ्यूजिंग की पट्टी ली है। तो इसको हम यहाँ नीचे से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको यहाँ पे इस्त्री से चिपकाएंगे। व्यूअर्स हम कॉलर को बिल्कुल स्ट्रेट कट करेंगे। यहाँ से आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब हम इसको इस्त्री से चिपकाएंगे। व्यूअर्स यहाँ से इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई 15 इंच है। अब हम इसको इस तरह से कपड़े को टर्न करेंगे। और यहाँ दोनों साइड्स में हम सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स अब हम कॉलर को पलटेंगे। और यहाँ प्रेस करेंगे। व्यूअर्स अब हम कॉलर के ऊपर भी एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। व्यूज कॉलर अटैच करने के लिए हम सबसे पहले हमने फ्रंट साइड पे जो ऊपर सिलाई लगाई थी हम इसको थोड़ा सा निकाल देंगे।
अंदर के कपड़े को यहाँ पे इस तरह से ऊपर की तरफ टर्न करेंगे। और यहाँ सबसे पहले हम 2 इंच तक, यहाँ जहाँ हमने कट लगाया था 2 इंच तक सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ कट से कादर को लगाना स्टार्ट करेंगे। व्यूज, हमने यहाँ कट के ऊपर इस तरह से हमने अपने कादर को सेट किया है। और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और इस ऊपर के कपड़े को इसी तरह से कादर के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। व्यूज, यहाँ पे हमने सिलाई को रोक दिया है। यहाँ पे हम कॉलर का जितना पार्ट बैक साइड के साथ अटैच होगा वहाँ पे उतने पार्ट पे हम दोनों साइड्स में हम इस तरह से कैंची से कट लगाएंगे। यहाँ पे हम दोनों साइड्स में शोल्डर की सिलाई के पास हम यहाँ पे कॉलर पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम यहाँ पे कॉलर की सिंगल साइड पे नीचे वाले कपड़े पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएं, ऊपर वाले को हम बाद में इस तरह से टर्न करेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। व्यूज, अब हम दूसरी साइड में कपड़े को इस तरह से टर्न करेंगे। और यहाँ पे हम कॉलर की डबल साइड को फ्रंट साइड पे इस तरह से सेट करने के बाद फ्रंट साइड पे जो हमने अंदर की तरफ कपड़ा लगाया था उसको ऊपर की तरफ टर्न करने के बाद यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे। अब हम इजाफी कपड़े को अंदर से कट कर देंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे।
इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी कट बनाएंगे। अब हम गले को टर्न करेंगे। व्यूअर्स, अब हम कॉलर को इस तरह से टर्न करेंगे। और बैक साइड पे हमने जो ओपन छोड़ा था, इसको इस तरह से हम इस कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करने के बाद यहाँ से सुई धागे से हम करेंगे। व्यूअर्स, अब हम कॉलर को प्रेस करेंगे। व्यूअर्स, हमने कॉलर को प्रेस कर लिया है और बैक कॉलर के सिंगल पार्ट पे हमने सिलाई लगाई थी और ऊपर के ओपन पार्ट को हमने अंदर की तरफ टर्न करके यहाँ से सुई धागे से हम कर लिया है। अब हम यहाँ पे दोनों साइड्स में हमने जो दो दो इंच का गैप छोड़ा था, यहाँ पे हम ऊपर की सिलाई के साथ मिलाते हुए सिलाई को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मुकम्मल करेंगे। इसी तरह दूसरी साइड से भी हम यहाँ से सिलाई को यहाँ तक और यहाँ तक हम इसको मुकम्मल करेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने दोनों साइड्स में सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब हम कमीज़ को सेट करेंगे। व्यूअर्स, हमने कॉलर को प्रेस करके सेट कर लिया है और यहाँ हमने तकरीबन 6 इंच गले को ओपन रखा है, बाकी को हमने यहाँ से लॉक कर दिया है। और यहाँ फ्रंट साइड पे जितने पार्ट को हमने ओवरलैप किया था उतने पार्ट की डबल साइड पे हमने ये बटन सेट कर लिए हैं। और यहाँ तकरीबन नीचे से हमने 11 इंच तक पार्ट को ओपन रखा है, बाकी को हमने यहाँ से लॉक कर दिया है। तो व्यूअर्स, ये हमारी जैकेट स्टाइल कमीज़ रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये जैकेट स्टाइल कमीज़ पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ग्लैमरस डिज़ाइनिंग वीडियोज़। तो टिल देन द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।